नमस्कार जेसीबी भाइयों, आज एक जेसीबी का कंप्लेंट के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। कंप्लेंट क्या है आप देख सकते हैं, जो रेडिएटर जो वाटर आता है ना, रेडिएटर के अंदर जो वाटर आता है उसके अंदर ऑयल मिक्स होकर पानी आने लग जाता है, उसका कंप्लेंट कारण क्या है आज आपको बताऊँगा। आप इधर देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग पानी इसका गाड़ी का काढ़ा ही है, ये तो दिखने में पानी तो नहीं दिख रहा, पूरा ऑयल के जैसा ही दिख रहा है। नीचे आप देख सकते हैं पानी खड़ा हुआ है। इसका जो कारण मेन कारण यही होता है, जो इसका वाटर कूलर आ जाता है इस पर, आप इधर देख सकते हैं, ये यही मेन कारण है। इसके अंदर वाटर के अंदर पानी मिक्स ऑयल मिक्स होके आने वाला कारण यही है। इसको ऑयल कूलर असेंबली करके बोल सकते हैं। इसको काटने का भी बहुत आसान तरीका है। इसको आपको 10 नंबर वाला 11 बोल्ट दिया रहता है, इसको खोल देना चाहिए। पहले तो आपको इसको ये खोल देना चाहिए, उसके बाद फिल्टर कोड खोल देना चाहिए, और जो गाड़ी जो आवर टाइमिंग स्विच होता है इसको भी निकाल देना चाहिए हमारे को, काट के उसके बाद नया फिट कर सकते हैं। आप उदाहरण के लिए आप इधर देख सकते हैं, ऑलरेडी हम इधर खोल चुके हैं, देखिए इसका हालत कैसा हो गया, आप इधर देख सकते हैं। इसके कारण तो यही रहेगा। आप खोलने से पहले इस तरफ आके जो रेडिएटर का जो वाटर का लाइन है वो पहले ये कर देना चाहिए, क्योंकि ऑयल तो उधर हम लोग खोल देते तो पूरा पानी वो इंजन के अंदर भी जाने का चांसेस ज़्यादा रहता है। पहले हम लोग इसको खोल के इधर से पानी पूरा ड्राई कर देना चाहिए, करने के बाद उसके बाद उधर से खोल के और जो उसको फिट करके आप करने से इसका प्रॉब्लम हल हो सकता है।